तहसील शामली जंजाना थाने के गांव बैदखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में आज एक युवक की कमरे में बंद करके घंटों पिटाई किए जाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि पिस्टल दिखाकर पत्नी को छोड़ने और शामली छोड़कर भाग जाने और आश्रम में कोई पिटाई न किए जाने के बारे में लिखवाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के मूल निवासी और शामली के हाल निवासी अजय कुमार पुत्र प्रेमचंद ने बताया कि वह सतलोक आश्रम का समर्थक है और 2019 में उसकी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होने के बाद फिर इसी आश्रम में हुई थी। अब पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है जो कोर्ट में विचाराधीन है। इधर बैदखेड़ी सतलोक आश्रम में आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन था। इस कार्यक्रम में अजय कुमार और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। अजय कुमार का आरोप है कि आश्रम के कुछ ठेकेदारों ने गुंडई दिखाते हुए एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर कोरे कागज पर दस्तक ही नहीं कराए बल्कि पत्नी को छोड़कर हरियाणा भाग जाने तथा आश्रम में कोई मारपिटाई न किए जाने को भी लिखवाया गया। बाद में पुलिस को लिखी सूचना दी गई। तहरीर में आश्रम के प्रबंधक देशराज और प्रबंध कमेटी के सदस्य हरदेश दास, थाना भवन का शिवम तथा मेहता सेवादार को आरोपी बनाया गया है। हरदेश दास ने बताया कि यह आश्रम में गलत तरीके से वीडियो बना रहा था और किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना बताई गई है। हरदेश ने आरोप निराधार बताते हुए पति पत्नी के विवाद में कुछ नहीं बताया और इसके अलावा हरदेश ने कोई बाइट देने से भी इनकार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पति पत्नी का विवाद कोर्ट में चल रहा है। आश्रम में मारपिटाई की सूचना मिली है, मेडिकल कराकर जाँच पड़ताल की जा रही है। ऊन तहसील शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। अजय कुमार है मेरा नाम जी। कहाँ के रहने वाले? शामली का रहने वाला हूँ, टंकी कॉलोनी में रहता हूँ। प्रॉपर हरियाणा है मेरा शहर। मीडिया वाले के पास फोन किया था, क्या मामला है? मामला इस तरह है कि 2019 में मेरी जो है लव मैरिज हुई थी और जो मेरी पत्नी है वो मेरे साथ रहती थी गुजरात में, और फिर उसके बाद वो उनको मैंने लिखाया पढ़ाया, GNM वगैरह करवाई, उनको मैंने सरकारी नौकरी लगवा दी और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो गई। अपना थाना भवन ब्लॉक है, यारपुर गांव है, CHO की पोस्टिंग हुई, शालिनी शाखा उसका नाम है। और जी फिर आज क्या हुआ जी, आश्रम में मैं गया हुआ था, बैदखेड़ी आश्रम में, तो वहाँ पे जी शादी कब हुई? शादी 2019 में हुई मेरी। शादी कहाँ पर हुई आप? हमारी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई थी जी। तो ये शादी आपकी ये जो आश्रम है बैदखेड़ी में? नहीं, आश्रम की बैदखेड़ी पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई, बट मतलब उनके अकॉर्डिंग सी हुई थी मतलब। हाँ जी जी जी, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जी मैं यहाँ पे रहने के लिए, मतलब मेरी जो वाइफ है उनकी पोस्टिंग यहाँ पे होगी यारपुर में, तो मैं अपना सारा सामान वगैरह उठा के यहाँ पे ले आया। 2023 में उनकी पोस्टिंग हुई थी। पोस्टिंग के दौरान जी वो फिर अपने बयान उन्होंने चेंज कर दिए, वो मेरे साथ मतलब मना कर गई रहने के लिए। अब आज आश्रम में सतलोक आश्रम बैदखेड़ी है, आश्रम बुरा नहीं है, पर वहाँ पे जो आज मेरे साथ हुआ, जो करवाने वाले हैं उनका आपको नाम बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किए और मुझे एक बंद कमरे में ले जाकर 15-20 लोगों ने बहुत मारा पीटा और मुझे जान से मारने की धमकी दी, और कई जगह मुझे गुम चोटें भी आई हुई हैं, मेडिकल भी करवाया गया है जिंजाना, और पिस्टल मेरी कनपट्टी पे रखकर उन्होंने, हाँ जी जी, ये देशराज है जी, ठीक है, उन्होंने पिस्टल मेरी कनपट्टी पे रखकर सब बयान मेरे से लिखवा लिए, मतलब गलत बयान कि लिख तू यहाँ पे ये करने आया था वो करने आया था। अब जब उन्होंने मेरे को मारा पीटा, बहुत बहुत मारा पीटा, और ऐसा मारा पीटा कि वहाँ से मैं मर के ही निकलता, मैं बचने वाला नहीं था, बट मेरे फ़ोन भी दोनों ले लिए गए और जो मेरी सब इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID अपने नाम की कर ली गई है, कबीर साहिब के नाम से कर लिया उन्होंने। तो पहले मेरी अपनी इंस्टाग्राम ID थी, उसमें 35,000 फॉलोवर थे और जो मेरा फेसबुक ग्रुप था उसमें भी थे, इन्होंने अपने ही नाम से अपने ही कर लिया। और उसके बाद मेरे को धमकी दी इन्होंने कि अगर तुझे सामली तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर तू यहाँ रहे तुझे जान से मार देंगे, और मुझे काफ़ी चोटें भी आई हैं और मेरी लिप्स ये सब में, और इसमें देशराज और हरदेश और शिवम सैनी थाना भवन से है ब्लॉक, और एक है अपना मेहता जी, और उसके साथ 10-15 लोग थे जो कुछ हरियाणा के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा एक बंद कमरे में,
चार घंटे लगातार मुझे तीन घंटे लगातार मुझे मारते रहे थप्पड़ों थप्पड़ी और मेरा मार मार कर उन्होंने बुरा हाल कर दिया। मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह थी ये कि मेरी पत्नी के साथ वो थे, खड़े हुए थे, उन्होंने डिवोर्स दिलवाना चाहते थे और मैंने कैराना कोर्ट में 9 सेक्शन डाला हुआ है मुकदमा और इस अकॉर्डिंग में उनको लगा हुआ था कि अब हमारे आश्रम की बदनामी हो रही है, ठीक है। और इस विवाद में उनको चलते उन्होंने एक प्लानिंग की, उन प्लानिंग के हिसाब से आज मैं आश्रम में विशाल भंडारा था तो वहाँ पे मैं तैयार होकर रेडी गया, मैं चलो जाके आता हूँ आश्रम में। तो आश्रम में जब मुझे उन्होंने एक बंद कमरे में ले जाकर बैठा लिया और फिर उन्होंने मुझे मारा और पिस्टल मेरी कान पर ये रख दी और फिर जो मुझसे उन्होंने क्या लिखवा, उन्होंने मुझे गलत बयान लिखवाए कि तू अपनी पत्नी के पीछे आया है और ठिकाने लगाने आया है उसको, ये लिख, और डिवोर्स दिलाने की धमकी दी वो भी लिख, और ये भी लिखा कि तू, मतलब उन्होंने गलत गलत चीज़ें, मतलब उन्होंने ये भी लिखवाया कि तू आश्रम में आया तेरे साथ हाथोपाई नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है, ये भी लिख, और उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा जबकि फिर मुझे लिखना पड़ गया। तो इसी कारण जब इंसान के आगे मौत आती है तो फिर इंसान और क्या करे, फिर अगर मैं ना लिखता वो मुझे मार देते और मुझे उन्होंने, और पटे से, एक पटा था उन्होंने मेरे को पटे से भी मारा बहुत ज़्यादा और यहाँ पे मेरी गुम चोटें बहुत आई और उनमें मेरा मेडिकल भी हुआ है और आगे की कार्रवाई हमने पुलिस में दे दी गई है। तदीक किस टाइम घटना है ये? सुबह मॉर्निंग की 11 बजे की घटना है आज की। और मेरे लिप्स, हाँ जी, ये मेरा लिप्स देखिए आओ, यहाँ है जी, तो आपने तहरीर दी है? जी दी है मैंने। क्या कहा? अब आगे की जो है वहाँ के सब इंस्पेक्टर जो है पुलिस अधिकारी हैं वो कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया भाई बंधु पत्रकारों से कि भाई इस मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं और फिर भी इन आश्रम वालों ने मेरे को बहुत, आश्रम बुरा नहीं है बट वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने बहुत, हाँ वो मुझे मारने के पीछे फिर रहे हुए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी, धमकी दी कि अगर तुझे डिवोर्स नहीं दिया, ये देशराज और मेहता ये सब इन्होंने मेरे को धमकी दी, अगर तुझे, तूने डिवोर्स नहीं दिया तुम्हें जाम से मार देंगे और जा सामने छोड़ के भाग जा, ये बात है। आश्रम कहाँ पर है? ये वेदखेड़ी आश्रम है झिंझाना रोड पे।